हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंसा बुटीक में। आज मैं आपको अफगानी सलवार की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने कपड़े को फोर फोल्ड में ले लिया है। इस तरह से जितना हमारे पास पहुंचा है, 5.5 है मेरे पास पहुंचा, उसमें से मैंने 6 इंच ज़्यादा ले लिया है इसको चूनट डालने के लिए। 5.5 इंच ऊपर से कम करके जितना हम बेल्ट डालेंगे, ये आ गया हमारे पास 29.5। 29.5 में से जितने का हम नीचे पोंचा जोड़ेंगे अफगानी सलवार में, वो मैंने 3 इंच का कम कर लिया है। अब इस तरह से इसको मैं सीधा कर लूँगी और अब इसमें मैं रखूँगी आसन। तो आसन मेरे पास जितना नॉर्मल सलवार का होता है उतना ही आएगा, 10 इंच का। तो इसको और इसको हम आपस में मिला देंगे जहाँ से हमने मोहरी रखी हुई है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जितना हमने पोंचा रेडी करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, 5.5 इंच। अब हम इसमें करेंगे कटिंग बेल्ट। तो बेल्ट हम इसमें रखेंगे जितनी हमारे पास हिप होती है उसका चौथा हिस्सा हम बेल्ट का लगाते हैं। तो इसमें मेरे पास 18 इंच की हिप है, तो मैं इसमें 8 इंच चौड़ाई की और 21 इंच की मैं इसमें बेल्ट कटिंग करूंगी। ऐसे तो 22 की होगी लेकिन मैंने इसमें 21 की कटिंग की है। इस तरह से हम बेल्ट को भी काट, इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम